गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर। फोर्थ चैप्टर है जो हमारा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री जो हम जैसे कंपास है, पेंसिल, स्केल, इन चीज़ों का यूज़ करके जो हम क्वाड्रिलेटर हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस या फिर जो हमारे ट्रायंगल्स होते हैं उनको ड्रा करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स लाइक कंपास, पेंसिल, स्केल, उन्हें हम क्या कहते हैं प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। उन्हें ड्रा करना विद कंस्ट्रक्शंस जो हम करते हैं, जैसे इसमें हमारे पास फर्स्ट सम है ड्रा क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी, जिसमें हमारे पास ए बी क्या दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, बी सी क्या दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर, सी डी क्या है 4 सेंटीमीटर, ए डी हमारे पास क्या है 6 सेंटीमीटर, ए सी क्या है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शंस करेंगे। जैसे जैसे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे वैसे वैसे हम कंस्ट्रक्शन के स्टेप लिखते जाएंगे, ठीक है। अब इसमें जो हमें ये दी हुई हैं वर्टेक्स होती हैं ये हमारी, इनमें से जो हमारी सबसे बड़ी वर्टेक्स होती है, ठीक है, मेज़रमेंट में जो सबसे बड़ी होती है वो हम हमारी सेंटर लाइन लेते हैं ऑलवेज, जो हमारी सबसे मेज़रमेंट में बड़ी होती है क्वाड्रिलेटर में, ठीक है। जैसे ए सी हमारे पास क्या है 7 सेंटीमीटर। क्वाड्रिलेटर कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं जिसे हमें बनाने में ईजी हो जाएगा, ठीक है। ए डी हमें क्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, सी डी हमारे पास क्या है 4 सेंटीमीटर, ए बी हमारे पास क्या है 4.5 सेंटीमीटर और बी सी हमारे पास क्या है 5.5 सेंटीमीटर। अब जैसे रफ स्केच हमने बनाया वैसे ही हम जो ये विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड स्केल वी कंस्ट्रक्ट दिस क्वाड्रिलेटर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ड्रा ए सी कितने की चाहिए हमें 7 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, 7 सेंटीमीटर की हमने क्या ले ली, एक वर्टेक्स बना ली हमने ए सी, जिसे हमने नाम क्या दे दिया ए सी। अब उसके बाद क्या है हमारी ए डी है जो कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर है जो हमारी कंपास को क्या करेंगे ओपन कर लेंगे, ठीक है। 6 सेंटीमीटर हमने कंपास को ओपन किया, ए को सेंटर पॉइंट मानते हुए, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक आर्क लगा दी हमने, ठीक है। तो उसके बाद क्या है सी डी, ये हमारी क्या है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डी सी हमारे पास क्या है 4 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर प्रकार को ओपन करेंगे, 4 सेंटीमीटर होगी, सी को सेंटर पॉइंट लेट करके क्या कर देंगे, एक आर्क ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। वो सेंटर पॉइंट पे क्या करेगी, जैसे ये देखो ये मीट हो जाएगी ऐसे, जब हमने ए सी पे वो दोनों क्या होगी एक सेंटर पॉइंट पे मीट करेंगी, वो क्या होगा हमारा डी पॉइंट। ऐसे ही ए बी क्या है हमारी 4.5 सेंटीमीटर, तो 4.5 सेंटीमीटर को क्या करेंगे, प्रकार को हम ओपन करेंगे, जैसे ये 5 है ये 4.5 होगी, ठीक है। तो ए पे ऐसे ही ए को सेंटर पॉइंट लेट करके हमने क्या लगानी है, आर्क लगानी है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, बी सी हमारे पास क्या है 5.5 सेंटीमीटर, तो बी सी हम क्या करेंगे 5.5 सेंटीमीटर प्रकार को ओपन करके हमने क्या लगानी है, एक आर्क लगानी है। जिस पॉइंट पे, जिस सेंटर पॉइंट पे ये कट करते हैं या मीट करते हैं, तो वो कौन सा पॉइंट आ जाएगा हमारा बी पॉइंट, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ स्केल, स्केल से हमने क्या करना है, जो हमारे सेंटर पॉइंट हैं उन्हें हमें ज्वाइन करना है। बी को किससे ज्वाइन करेंगे, ए से, और बी को सी से, ऐसे ही सी को डी से और ए को डी से। ऐसे ही हम क्वाड्रिलेटर क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। जैसे 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 हमने कंस्ट्रक्ट किया वैसे वैसे हम उसकी कंस्ट्रक्शंस लिखेंगे। उसके बाद क्या है हमारा, ये थर्ड सम है आपकी बुक में, पैरेललोग्राम मोर,
एक मोर के नाम से हमें एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। अब हमें बताया पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हमें जो मेंशन दिया किया गया है ओ आर 6 सेंटीमीटर मेज़रमेंट जो हमें दी गई हैं, आर ई कितना है 4.5 सेंटीमीटर, ई ओ क्या है हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर। तो हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं एम ओ आर ई, हमें मोर बनाना है ना, तो एम ओ आर ई जैसे जैसे हमें मेज़रमेंट दिए गए हैं हम लिख लेते हैं। जो मेज़रमेंट में बड़ा है हमारे पास ओ आर, ओ आर क्या है हमारा 6 सेंटीमीटर, आर ई, आर ही हमारे पास क्या है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद ओ ई, ओ ई हमारा क्या है डायगनल है 7.5 सेंटीमीटर। ऐसे ही हमने क्या किया, एक रफ स्केच ड्रॉ कर लिया, जिससे हम ईज़िली क्या, अब हम अपना जो पैरेललोग्राम है विद द हेल्प ऑफ कंपास हम ईज़िली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ओ आर कितने मेज़रमेंट की लेनी है हमने 6 सेंटीमीटर की, तो हमने 6 सेंटीमीटर की ओ आर ले ली, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, आर ई, आर ही हमें कितना दिया हुआ है जैसे 4.5 सेंटीमीटर, तो हमने क्या किया आर ई 4.5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे हम और एक आर्क लगा देंगे, जैसे ये मैंने ऑलरेडी लगा रखी, जैसे ये एक आर्क लगा दी 4.5 सेंटीमीटर खोल के ओपन करके, ठीक है। ऐसे ही हम ओ ई, ओ ई हमें क्या दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर ओपन करके हम क्या लगा देंगे, एक आर्क लगा दी। तो ये एक पॉइंट पे मीट करती हैं, यानी कि कट करती हैं, उनका जो सेंटर पॉइंट होता है वो क्या होगा हमारा ई, ठीक है। उसके बाद हमें पता है अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल हो हैं पैरेललोग्राम में। अब हमें एम ई मेंशन नहीं था, हमें मेज़रमेंट दी नहीं गई थी, बट वी नो कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो अगर ओ आर 6 सेंटीमीटर है तो ई एम या एम ई ही भी क्या होगा 6 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे हम, ई का जो सेंटर पॉइंट आया हमारा जिस पे कट किया, तो वहाँ से हमने क्या किया 6 सेंटीमीटर क्या करनी है, हमने कंपास को ओपन करना है, ठीक है। जैसे ये रहा 6.0 तक हम क्या करेंगे, इसको ओपन किया, ठीक है। तो ई के सेंटर पॉइंट पे हमने ये कंपास रखी और एक आर्क लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमारी क्या है 4.5 सेंटीमीटर, तो 4.5 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करके क्या लगाएंगे हम, एक आर्क लगा दी हमने, ठीक है। तो ये जो पॉइंट पे कट करेगी वो सेंटर पॉइंट हमारा क्या होगा M। देन फिर क्या करेंगे, जॉइन करेंगे M टू O, O टू E, ठीक है। हमने फिर क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ स्केल हम क्या करेंगे, इनको जॉइन करेंगे। ये हमारा क्या बन गया, पैरेललोग्राम। इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप मैंने लिख दिए। सेकंड क्या है, वी नो दैट अपोजिट साइड्स इक्वल इन पैरेललोग्राम, ठीक है। वर्टेक्स M इज 4.5 सेंटीमीटर, वर्टेक्स M 4.5 सेंटीमीटर अवे है किससे, O से, दूर है। इसकी मेज़रमेंट कितनी दी हुई है 4.5 सेंटीमीटर, एंड 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम E, 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम E, क्यों, क्योंकि जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या हमारी इक्वल होती हैं। ड्रॉ आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर, हमने क्या किया 4.5 सेंटीमीटर जो हमने कंपास थी वो ओपन करके, जो हम कंपास ओपन करते हैं जितने मेज़रमेंट के उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, 4.5 सेंटीमीटर रेडियस एंड 6 सेंटीमीटर रेडियस, ठीक है। रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि ओ से कितना था 4.5 और ई से कितना था 6 सेंटीमीटर की हमने क्या लगानी है, आर्क लगानी है, ठीक है। तो ये कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, एम पॉइंट पे, ठीक है। जो हम हमारा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, एम आएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमने क्या करना है, जॉइन एम टू ओ, जॉइन करेंगे एम टू ओ फिर ओ टू ई, ठीक है। देन ये हमारा क्या है, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ हो गया।